देखिए जो हिंदुइज्म है यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। रिलीजन दो प्रकार के होते हैं, एक रिलीजन जो होता है जो हमेशा प्रिस्क्राइब करता है, डूज एंड डोंट्स होते हैं। हिंदुइज्म में ऐसे डूज एंड डोंट्स कुछ नहीं होता। अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं, और उन संप्रदाय में शायद कोई गुरु होगा जो कहेगा कि ये 5 नियम फॉलो करो, या कोई पुजारी होगा जो कहेगा इस महीने में ये रूल्स फॉलो कीजिए। तो लोगों को रूल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम रूल से नहीं शुरुआत करते, हम विचारों से शुरुआत करते हैं, तत्व ज्ञान से शुरुआत करते हैं। आपकी दुनिया के देखने का दृष्टिकोण क्या है, तो वेज हो नॉन वेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विष्णु जी की जब पूजा होती है तो वहाँ पे वेजिटेरियनिज्म ज़्यादा होता है, लेकिन जब देवी की पूजा होती है तो वहाँ पे बलि चढ़ता है, तो देवी को तो नॉन वेज बड़ा चढ़ाया जाता है, मांस मत्स्य कोळी लोग जो फिशर फोक होते हैं वो लोग तो मच्छी चढ़ाते हैं देवताओं को। शिव जी के जो भैरव रूप है वहाँ पे तो दारू चढ़ाते हैं, अल्कोहल चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, क्योंकि वो तंत्र साधना से जुड़ी हुई है। शिव के जो भोलेनाथ ग्रुप है जिसे हम गोरा भैरव कहते हैं, वहां तो दूध चढ़ाया जाता है और कच्चे फल चढ़ाया जाता है। तो हर देवी देवताओं का डाइट अलग है, तो अभी कौन सा डाइट आप अपनाओगे? तो ऐसे रूल्स फिक्स करने से जो एक समाज है जहाँ पे कुछ सब चीज अनित्य है, नथिंग इज परमानेंट, वहां पे आप ऐसे फिक्स करना चीजें गलत होता है। हर चीज देश काल और पात्र को देख के बदलाव आता रहता है, तो हर युग में अलग डाइट।